अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, उम्मीद है आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज गैस स्टेशन का जो बिजनेस है और गैस स्टेशन की जो जॉब्स है, थोड़ा सा इसके मतलब बात। ये गैस स्टेशन है, एक वो वाला गैस स्टेशन है और ये तीसरा वाला, ये वाला जब गैस स्टेशन आया ना बड़ा वाला, ये क्विक ट्रिप इसका नाम है, ट्रकों का इसी पे होता है सारा। तो इन्होंने जो रेट लगा वो $2.95 रख दिया, यानी कि तो सारे इधर आना शुरू हो गए। उनका जो था वो रेट, वो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए इनका $344 है। इन्होंने भी अपना रेट कम करके इन्हें $295 पे ले आए, लेकिन बड़ी कंपनी का मुकाबला नहीं कर सके। इनका रेट आप देखें $299। रेट कम था तो मैंने भी सोचा कि यहाँ से गैस डलवा ली जाए, जहाँ पे भी दुकानदार ज़्यादा होंगे वहाँ पे फ़ायदा कस्टमर को होगा, जहाँ पे भी चीज़ें बेचने वाले ज़्यादा होंगे आपस में तो फिर कंपटीशन होगा, तो फिर फ़ायदा जो है ना दुकानदार को। तो जाके ना देखते हैं, मेरी चाबी तो मेरे पास ही है। हाँ, मेरे पास है। अंकल की बारिश हो रही है, हमने ट्रकों का सामान वो देखते हैं उस तरह पड़ा होगा ट्रांसपोर्टेशन में ट्रकों का। तो इधर ना आपको मिल जाएगा खाने में, ये फ्रेश में जो है, जैसे अभी मफन मिल जाएंगे, मफन्स हलाल शलाल कोई नहीं होती, लेकिन बस लोग खाते हैं स्पाइसी चिकन, स्पाइसी चिकन्स, और ये भी चिकन, ये गरम रहता है सारा, कोई भी रोल उठा लो फ्रेश होगा। अब ये भी जो है ना फ्रेश, स्टिल कुकिंग। और गैस स्टेशन की जॉब में वही $14-15-16 है। कुछ जो जॉब होती है ना वो कैश पे होती है, जो कैश पे होती है वो जिनका लोकल अपना होता है वो कैश पे जॉब देते हैं गैस स्टेशन पे। और डीज़ल की जो प्राइस है वो भी देख लेते हैं कितनी है। डीज़ल की जो प्राइस है वो इस वक्त $369 है, डीज़ल $369। थोड़ी सी कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है पहले तो। ये क्या है, ये मैंने देखा है, ये चीज़ें प्लांटिक बॉल्स, ये मेरा ख्याल है वो टायर की हवा भरने के लिए है। हाँ, टायर की हवा भरने के लिए मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल है, क्योंकि ये नया ही लगा है, ये भी टायर की हवा भरने के लिए लगता है। तो ये तो जो है ना फ्यूल भर रहा है। अच्छा, तो इसका जो बिजनेस है वो 8,000 से लेके $12,000 तक देता है, डिपेंडिंग ऑन द सेल्स। अगर ज़्यादा सेल हो तो फिर ज़्यादा हो जाती है, कम हो तो कम हो। शुरू में तो रेंट पे लेना चाहिए वैसे बिजनेस। अब इधर से जाके ना उधर जाते हैं और अपनी गाड़ी पे जाके बैठ जाते हैं। शुरू में तो बिज़नेस रेंट पे लेना चाहिए, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको अपना करना चाहिए। जाके ना गाड़ी में बात करते हैं। बड़ी कंपनी है ना, बिज़नेस खा गई सारा। भाई शोर थोड़ा सा ना ज़्यादा था, तो मैंने जो है ना ज़्यादा बात कोई नहीं की, थोड़ा सा मैंने कहा आपको बाहर से दिखाया। अब जो है ना ट्रांसपोर्टेशन के, ट्रकिंग के, जो गैस स्टेशन का बिजनेस है ना, इसकी बात करते हैं। पहली दफ़ा करें ना तो बिज़नेस को रेंट पे ही लेना चाहिए। रेंट पे आप लेंगे तो इसका जो, ये तो बड़ा गैस स्टेशन, उधर वाला जो मैंने दिखाया था ना छोटा, उसका रेंट तकरीबन $4,000 के प्लस माइनस इसके पास पास है, क्योंकि ये सुबर्ब में है और ये वाला थोड़ा हाईवे के साथ है, लेकिन वो भी खैर सुबर्ब में है तो सुबर्ब में कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे ही सिटी के साथ होगा, जब मेन सिटी के साथ, फिर थोड़ा रेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो $4,000 प्लस माइनस रेंट होता है, और एक गैलन की सेल पे आपको जो है, जैसे कि आपने $3 का गैलन लिया और उसको 345 सेंट्स पे सेल किया, लेट्स सपोज, तो 45 सेंट्स में से 10 जो सेंट्स होते हैं वो आपका एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस में एम्प्लाई की सैलरी, बिजली, पानी, गैस, रेंट, सारा कुछ। तो अब जितने गैलन सेल होंगे उसको 10 सेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बाकी जो 30 सेंट्स होते हैं ना, 35 सेंट्स आउट ऑफ 45, एग्जांपल दे रहा हूँ,
तो वो टोटल आपका प्रॉफिट होता है। फिर जितने गैलन सेल होंगे आप 35 सेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो आपका प्रॉफिट बन जाता है। अगर वैसे मंथली लगाया जाए तो आठ जो नोजल वाला गैस स्टेशन होता है वो आज भी तकरीबन 8 से लेके 12,000-13,000 के पास पास देता है। इसमें से अगर रेंट पे लिया हो तो फिर 12,000 में से $4,000 रेंट निकल आता है और बाकी इसकी ना बचत निकलती है। फिर इसमें एक और बात है जॉब्स की, मैं बात करूँ तो गैस स्टेशन की ना, लोग यहाँ पे आके कैश पे जॉब करते हैं गैस स्टेशन के ऊपर। तो जो गैस स्टेशन पे कैश की जो जॉब्स होती है ना, जैसे कि मेरा गैस स्टेशन है राइट, अब इसमें मेरे पास कैश पे ट्रांजेक्शन हो रही है और मैंने कैश पे ट्रांजेक्शन, मेरे पास कैश पैसा आ रहा है क्योंकि चीजें अंदर पड़ी होती है ना स्टोर में भी, आपने अंदर भी देखा। तो जो कैश पे चीजें आ रही है ना उसकी जो सेल है उस पे जो मतलब जब तक आप बैंक में नहीं जमा कराते वो रिकॉर्ड में नहीं होती, वो आपके पास कैश है। लोगों ने घर में कहीं पे मुख्तलिफ जगह पे कैश यहाँ पे भी रख लेते हैं, लॉकर बनाए होते हैं, डिफरेंट तरीके हैं, बैंक में ही ज्यादातर जमा कराते हैं। तो आपने कोई एक्सपेंस पे करना उसको कैश में पे किया तो वो कोई रिकॉर्ड में नहीं है, उस पर ना कोई पता चलता है कहाँ गया, क्योंकि कैश टू कैश डीलिंग हुई। तो वो मोस्टली जो प्राइवेट ऑनर होते हैं कुछ ना कुछ वो कर लेते हैं क्योंकि मर्जी, वो कैश पे पैसे दें, W2 पे दें, 1099 पे दें। लेकिन ये जो बड़ी कंपनियां हैं ये W2 पे ही पैसे देती हैं एम्प्लाई को, और $15 पर आवर आजकल पे कर रही हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। महंगाई बड़ी ज़्यादा हुई हुई है, रेट चीज़ों के ना बहुत ज़्यादा बढ़े। ग्रॉसरी लेने जाओ लग पता जाता है, मतलब $400 की ग्रॉसरी जो एक साल पहले थी इस वक्त वो ऐसे लगता है जैसे $800-900 लग रहा है। मुझे तो लगता है, शायद आपको भी लगता हो जो लोग यहाँ रह रहे हैं, महंगाई बड़ी है। अच्छा, तो वो कैश पे देते हैं। और गैस स्टेशन का बिजनेस शुरू करना हो तो 2 साल काम करें छोटे से गैस स्टेशन पे ना, आपको चीज़ें खरीदने का पता चलेगा। अंदर जो सामान होता है ना वो मोस्टली लोग उधर से लेते हैं, कॉस्को से ले लेते हैं और इस तरह से बड़े बड़े स्टोर होते हैं उधर से होल सेल पर लेके रिटेल पे फिर उसको सेल करते हैं। यहाँ पे जो दूध होता है वो महंगा पड़ा होता है, वॉलमार्ट पे जाएंगे थोड़ा सस्ता होगा। तो बाकी गैस स्टेशन में जो है इसको बाय करना हो तो इसकी जो वेबसाइट है ना वो bizbuysell.com है, www.bizbuysell.com ये बिजनेस की वेबसाइट है। इसमें आपको बिजनेस बिकेंगे, बहुत से बिजनेस आपको सेल होते नजर आ रहे हैं। अच्छा यार, आपने रेंट पे लेना कॉस्ट कितनी है? कम से कम $2,00,000, $2,00,000 होने चाहिए, कम पे नहीं हो जाए? कम पे भी हो जाएगा, जैसे फ्यूल है। अब इसकी प्राइस आपको, ये जो फ्यूल 8 नोजल वाले की बात करो, ये इसके तो ज्यादा है, इसके तो 1, 2, 3, 4, 4, 4, 16, ये तो मुझे तो लगता है 30-32 पे गया हुआ है। मतलब बहुत बड़ा है ये गैस स्टेशन जो भी मैंने दिखाया, क्विक ट्रिप इसका नाम है, बड़ा गैस स्टेशन है। तो 8 जो नोजल वाला होता है ना उसमें जो गैलन गैस की होती है ना वो तकरीबन 25,000 से 35,000 के प्लस माइनस के पास पास होती है। $30,000 लगा लें गैस, अंदर जो सामान पड़ा तो वो भी $30,000 लगा लें, सामान तो इतना होगा। फिर आपने रेंट देना, रेंट भी तकरीबन आपने $4,000 लगा लें, इसके इससे ज्यादा नहीं होता, 4,045, क्योंकि बहुत बड़ा गैस स्टेशन और बहुत मेन पे और फिर ज्यादा होता है। अच्छा जी, ये हो गया फिर रेंट हो गया। फिर इसके अलावा वो ये तो फिर हो गया जी 70,000 में, आप कह रहे हैं 2,00,000, 70,000 में होता है, लेकिन वो गुडविल लेते हैं। गुडविल जो होती है वो चलता चला गैस स्टेशन है ना, गुडविल लेते हैं। तो गुडविल कौन लेता है? जो जिसने पहले रेंट पे लिया होगा वो आपसे गुडविल, रेंट वाला तो नहीं ना ले सकता, ऑनर से आपने लेना, ऑनर कहेगा गुडविल दें या तो गैस स्टेशन था पहले। या बाज का जो होता है, अगर तो बिल्कुल खाली है यानी कि चीज वो गैस स्टेशन के नोजल पंप मिसाल के तौर पर वो उतार के ले गए तो फिर भी वो कह सकता है, अगर आपने गैस स्टेशन लगाना है तो यहाँ पे तो आप पहले गैस स्टेशन था, क्योंकि लोग आते हैं, लोग आएंगे भी सही, तो आप कुछ ना कुछ गुडविल पे करें। 1,00,000 नहीं देना, चलो 50,000 दे दें, 40,000, ये तो फिर डीलिंग होती है ना। कुछ जगह पे गुडविल नहीं भी चलती, लेकिन चलते हुए बिजनेस में सेम चीज़ में जाए गुडविल है, तो इस वजह से $1,00,000 तक आ गया तो फिर आप सोचना शुरू कर सकते हैं, फिर इसमें बिजनेस आप कर सकते हैं। $1,00,000 में गैस स्टेशन का बिजनेस, फिर और जो दूसरी शॉप है वो $1,00,000 से कम पे भी हो जाती है अगर आपने रेंट पे शुरू करनी है। तो अगर आपने बाय करनी है तो फिर प्रॉपर्टी, ज़मीन की वैल्यू है ना वो, तो फिर ज़मीन की वैल्यू मिलियन में जाएगी, जैसे होता है ज़मीन की वैल्यू कितने की है तो वो जगह के हिसाब से है। तो पहली दफ़ा तो कारोबार रेंट पे शुरू करना चाहिए गैस स्टेशन का, तो और इस पे जॉब करनी चाहिए, 2 साल जॉब करनी चाहिए, जॉब करके वह करें। जॉब करने में कोई शर्म नहीं, अगर आपने माइंड में रखा हुआ है कि आपने इसको बिजनेस करना है, बिजनेस के तौर पर चलाना है। ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस या गैस स्टेशन का बिजनेस,
दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, लेकिन एवेल्यूएट ये करना होता है कि आपको क्या चीज़ पसंद है और आप क्या चीज़ बेहतर कर सकते हैं। जो चीज़ आपको पसंद है, जो बेहतर है, वही बिज़नेस ज़बरदस्त है। वो बिज़नेस पैसे ज़्यादा दे कम दे मुकद्दर के मिल जाते हैं, बट सुननी अपने दिल की चाहिए। और अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।